श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्रभु महावीर की साधना सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपम, इनका कोई भी हम उदाहरण नहीं दे सकते। ऐसे उत्कृष्ट साधना महावीर की, घर बार छोड़ दिया, राजकुमार थे, आकाश की भांति स्वच्छ निर्मल, कहीं कोई आग्रह नहीं, कहीं कोई परंपरा नहीं, कहीं कोई संगठन नहीं, कहीं कोई दावा नहीं, कहीं कोई अपनेपन का भाव नहीं। ये भी नहीं कहा प्रभु ने कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मानो। भगवान महावीर कहते हैं, सुन करके मनुष्य कल्याण के मार्ग को जानता है, सुन करके अकल्याण के मार्ग को जानता है, सुन करके पुण्य और पाप को जानता है, धर्म और अधर्म को मानता है। मार्ग बता देते हैं परंतु ये नहीं कहते कि इसी मार्ग पर चलो। श्रावक जो ठीक से सुन ले वो भवसागर से पार हो जाता है। श्रावक के तीन गुण हैं, श्रावक, श्रद्धा, विवेक और आचरण। श्रद्धा से सुन ले, बुद्धि से नहीं, परंपरा से नहीं, किसी के कहने से नहीं, अंतर आत्मा से सुन ले। सोचा जाना ही कल्याणम, सुन करके कल्याण के मार्ग को और सुन करके अकल्याण के मार्ग, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख, दिन और रात, फूल और कांटा, जो भी है, द्वंद है संसार में, दोनों को जान लेता है। उभयम्पि जानाहि सोचा जंग सेयं तंग समायारे। दोनों को जानने के बाद प्रभु महावीर कहते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे उसको स्वीकार करना। ये भी नहीं कहते किस पर चलना, मार्ग बता दिया केवल ज्ञानी। ये भी नहीं कहते कि इसी मार्ग पर चलना। महावीर की वाणी में कहीं आदेश नहीं, कहीं निर्देश नहीं, उपदेश न आदेश है, न निर्देश है, उपदेश। उपदेश में मैत्री है, करुणा है, प्रेम है, सत्य है, धर्म है, ज्ञान है, अमृत है। उपदेश तीर्थंकर की वाणी, और आज पंचम काल में हमें महावीर की वाणी मिली कि वर सुन ले, आग्रह मत रखें कि ऐसा ही होना चाहिए। जहां आग्रह रखोगे सत्य से भटक जाओगे। महावीर का अनेकांत का मार्ग है, एकांत का मार्ग नहीं। महावीर कभी ये नहीं कहते कि यही सत्य है, तुम भी ठीक हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, सभी प्रकार से हो सकते। एक हमारे चार्वाक सिद्धांत है जो कहते हैं, ऋणम कृत्वम कृतम पवेत, कि खाओ पियो मौज करो, और यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं हो तो उधार लेकर के घी पियो और मजा करो। ऐसा भी सिद्धांत है चार्वाक। चार्वाक अर्थ है चारु, जिसकी वाणी बड़ी अच्छी लगती है। जब तुम्हें कहीं कोई परमात्मा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई सत्य नहीं, खाओ पियो ऐश करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्यों धर्म करें, क्यों सत्संग करें, क्यों साधु संतों के पास जाएं, क्यों तपस्या करें, बोलो अच्छा लगेगा न लगेगा, अच्छा लगेगा न लगेगा। चार वाक सिद्धांत, चारुवाक
भगवान महावीर अनेकांत की दृष्टि से कहते हैं कि उसका मार्ग केवल शरीर दृष्टि से है, इनकार नहीं किया उन्होंने। जो चार्वाक सिद्धांत है केवल शरीर का पोषण करता है, आत्मा का नहीं करता। ऐसी सामंजस्य प्रभाव ने दिया है, इनकार नहीं किया। हमारे यहाँ षट दर्शन है, सिक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उसमें चार्वाक दर्शन भी है। और आज सब चार्वाक दर्शन को मानते हैं, सत्य की बातें सब करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, परंतु भीतर सुख प्रिय लगता है। वाणी कोई दो शब्द मीठे कह दे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी बात को मान ले वो परमात्मा हो जाता है, तुम्हारी बात को ना माने तो वो कुछ किसी काम का नहीं। ऐसा ही है ना, सबकी बात तो मानी जा नहीं सकती। सत्य क्या है? भगवान कहते हैं कि चार्वाक सिद्धांत भी अपनी जगह सत्य है, उसको शरीर की दृष्टि से देखो। यदि शरीर को सुख प्रिय है तो तुम संसार में घूमते रहोगे, अनंत काल तक घूमते रहोगे, अनंत काल तक। और यदि शरीर से ऊपर उठ करके आपके भीतर एक चेतना है, एक आत्मा है, वो आत्मा अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण अस्तित्व तुम्हारा आत्मा से जुड़ा हुआ है, और शरीर से व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। दो चीजें अलग अलग हैं, एक व्यक्तित्व है एक अस्तित्व है। बोलो आप किसको चाहते हो? राता वालो आप किसको चाहते हो? अस्तित्व को चाहते हो तो सारी बेनती छोड़ दो। अस्तित्व का अर्थ है आत्मा में रहना, अपने में आ जाना, अपने में डूब जाना, अपने में लीन हो जाना, अपने में स्थिर हो जाना। महावीर की 12.5 वर्ष की साधना अपने में लीन थी, कोई संगी साथी नहीं, कोई कितने उपसर्ग आए, कितने महावीर। देखिए एक श्रावक महावीर से प्रार्थना कर रहा है, मास खमन है महावीर का कि मेरे घर पधारना, मेरे घर पधारना। मास खमन हो गया, भगवान नहीं गए, भगवान ने उपवास कर लिया। दूसरे मास खमन ने कहा मेरे घर पधारना, भगवान नहीं पधार रहे। फिर मास खमन किया, 4 माह तक वो बेनती करता रहा, भगवान उसके घर नहीं पधारे। कहाँ पधारे? भगवान दूसरे घर चले गए। और जाना था जिन्होंने बेनती की थी, पूरन जीरन सेठ के नहीं गए, पूरन सेठ के चले गए। और जाकर के क्या मिला पूरन सेठ को? कुछ नहीं मिला। भगवान तीर्थंकर इतना पारना परंतु। और कहते हैं देवदुंद भी बजी, अहो दानम श्रेष्ठ दानम, सुनइए की वर्षा होती है। और जीरन सेठ को पता लगता है मेरा भाग्य नहीं खुला, कहाँ प्रभु के पारना दूसरी जगह। और पूरन सेठ के गए, जीरन सेठ के नहीं गए। और जीरन सेठ को कहते हैं एक थोड़ा समय रुक जाता तो उनको केवल ज्ञान हो जाता, इतनी उत्कृष्ट भावना थी। फिर भी वो देवलोक में गए, बार में देवलोक में गए। भावना का इतना फल होता है। और जब पूरन सेठ के गए उसकी कोई भावना नहीं थी, उनके गए तो कह दिया घर में कि संत आए उनको दे देना, उनको कुछ नहीं मिला। तो भगवान महावीर की साधना, महावीर का तप, महावीर का ज्ञान, महावीर की आत्मदृष्टि, बस तुम आत्मदृष्टि ले लो, महावीर का आत्मज्ञान ले लो, बुद्धि का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान। बहुत पढ़ा, मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, जन्मों जन्मों से पढ़ते आए हैं। और जितना बुद्धि का ज्ञान ज़्यादा हो जाता है उतना व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, देखो मेरे पास कितना ज्ञान है। और ज्ञान तो आत्मज्ञान काम आता है, केवल आत्मज्ञान ही आपको मोक्ष के मार्ग पर लेके जाएगा। और महावीर ने सर्वोच्च सत्ता आत्मा को दी, सर्वोच्च सत्ता आत्मा को दी। देह और शरीर की भिन्नता का एहसास करते हुए अपने भीतर डूबो, अपने भीतर जाओ और वाणी सुनो, केवल सुनो। उसमें कोई परंपरा का गठबंधन नहीं, कोई दिगंबर, शितंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, कोई आत्मा के लिए कोई है ही नहीं।
ना कोई दिगंबर, ना श्वेतांबर, ना स्थानकवासी, ना तेरापंथी, ना ढोल, ना कमोल, ना राता, ना नगर, ना पूना, ना बंबई, कहीं नहीं आता बीच में। कुछ आता है बोलो? एक आत्मा, एक आत्मा। आपने जो स्नेह दिया, भक्ति भावना दिखाई, इस भक्ति भावना को केवल प्रवचन तक सीमित नहीं रखना, इसको क्या करना है, इसको स्थाई स्थान देना। स्थाई स्थाई स्थान देने के लिए क्या है, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, युवाओं को ध्यान से जोड़िए, प्रार्थना से जोड़िए, महावीर की वाणी से जोड़िए, स्वाध्याय से जोड़िए, ताकि आज के चकाचौंध में यदि बच्चे सुधर जाते हैं। कल एक घटना घटी, एक बेटा, पांच बहनों का भाई, संगत का असर देखिए, संगत ठीक नहीं थी, बुरी संगत में पड़ करके उसको बेभान हो गया, 20 वर्ष का बच्चा। संगत अच्छी होती तो ऐसा कार्य ना करता, यदि वो उसको महावीर की वाणी मिल जाती या साधुओं का संग मिल जाता तो ऐसी घटना ना घटती। तो संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अपने बच्चों को बचाइए, इस वातावरण से बचाइए, जो आज का वातावरण दूषित वातावरण हो गया है, जो मोबाइल का युग आ गया, इंटरनेट का युग आ गया, एक इंटरनेट में, एक मोबाइल में पता नहीं क्या क्या होता है और बच्चे दूर होते चले जाते हैं, उसके अंदर क्या है क्या नहीं होता ना आपको पता लगता है। पहले एक परिवार सीमित था, जैसे आपके परिवार हम देखते हैं, चाहे कच्चे मकान थे, अब आपने पक्के बना लिए, एक परिवार में 20 लोग 25 लोग रहते थे, इकट्ठे रहते थे, प्यार से रहते थे, घर का बहनें चक्की पीसती थी, चक्की का ज़माना तो चला गया, चक्की पीसना बहुत अच्छा है। देखो बहनें चक्की पीसती हैं, बीमार नहीं होती, कभी बीमार नहीं होती, क्योंकि चक्की पीसने से क्या होता है, सारा जो एक्सरसाइज हो जाती है। बुरा मत मारना, मैं जब घर में था, मेरी माँ दादी चक्की पीसती थी, आटा घर में पीसा जाता था, कपड़े धोए जाते थे, व्यायाम होता था, बहन और भाई बहुत काम करते थे। आज वो काम नहीं रहा, मशीन का युग आ गया है, बीमारी कितनी बढ़ गई है। जितना आप स्वयं काम करेंगे, गांव में जाकर के देखो, 93 साल की उम्र में भी स्वस्थ लोग हैं और अपना काम खुद करते हैं, चलते हैं। और जितना जितना मशीन का युग आ गया, जितना जितना आगे बढ़ गए हैं हम, पैसा तो बहुत आ गया है, फैक्ट्री बड़ी लग गई है, मकान बड़े बन गए हैं, और जितनी दूरियां बढ़ गई हैं, आपस में प्रेम भाव समाप्त हो गया है। ये पैसा अधिक आने से प्रेम भाव का, देखिए प्रेम बना रहे, परिवार सुंदर रहे, परिवार इकट्ठा रहे, भाई बहन इकट्ठे बैठ करके हम सुख दुख की भावना रखें, तो छोटा परिवार हो तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। केवल आत्मा, देह और आत्मा दो तत्व, भिन्न भिन्न तत्व हैं। आज तक हमारी यात्रा देह तक रही, शरीर तक रही, शरीर में पांच इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, ये सारा व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। आत्मा की कोई इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, देह नहीं। देह में आत्मा, पर आत्मा देह से भिन्न है, अलग। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद परिपूर्ण है आत्मा। देह में आत्मा चली जाए तो देह शमशान की राख हो जाती है, कोई इंद्रियां काम नहीं करेंगी, मन बुद्धि कुछ नहीं होगा, पर आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है तुम्हारा, जहां जिस गति में, जिस योनि में जाएगी वो तुम्हारे साथ होगी। आत्मा देह में है, देह के मोह के कारण, अज्ञान और मोह के कारण आत्मा बधी है। आत्मा का अपना घर सिद्धालय है, उस सिद्धालय में रमन करो, उस सिद्धालय में जाओ। एक लक्ष्य रखो,
मुझे महावीर की आत्म दृष्टि मिले, मुझे महावीर का आत्म ज्ञान मिले, मुझे महावीर की साधना मिले। अनंत काल तक ये जन्म और मरण के चक्र में हम चले आ रहे हैं। डूब जाए अपने भीतर, विचार संस्कार धारणा को छोड़ दें, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम एक शुद्ध तत्व हो। वो तुम हो, वो आत्मा सदाकाल से तुम्हारे साथ था, है, रहेगा। उस पर श्रद्धा करो, उस पर विश्वास करो, उसमें स्थिर हो जाओ, उसमें रमन करो। कर्म करते चले जाएंगे, यही महावीर की साधना का राजमार्ग है, उत्तम मार्ग है, सर्वोत्तम मार्ग है। देखिए अपने भीतर धीरे धीरे आपके विचार शांत हो रहे हैं, श्वास भी धीमा हो गया है, आपका मन शांत होने लगा है और भीतर की शांति का अनुभव कीजिए। भीतर के सुख को, भीतर के ज्ञान का अनुभव कीजिए। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का रंग रूप नहीं है, आत्मा निराकार है, सुख निराकार में, आत्मा में। डूबो, बहो, गहो अपने भीतर, अपने भीतर, अपने भीतर। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करेंगे। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई, सत्य वचन की तेज से जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साउनंग, धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं संति जस धम्म श्या मनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख जगता